बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 12 सिलेबस फॉर द फर्स्ट टर्म इन वीक 5 ऑनलाइन लेक्चर 10। द टॉपिक ऑफ द 10th लेक्चर आर द इंटरिम गवर्नमेंट 1946, पार्टीशन प्लान June 3, 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दिस इज़ द मैप shows the princely states by brown color, and the colored portion shows the 11 provinces of British India and chief commissioner provinces. Formation of interim government and direct action 1946. So we already discussed on this matter in the previous lecture, the formation of government and the direct action day. After the formation of interim government, Liaquat Ali Khan as a finance minister presented a central budget in which heavy taxes were imposed on wealthy rich class, mostly belongs to Indian National Congress members. So British decided to partition the subcontinent, and for this purpose Lord Mountbatten was sent as a last viceroy to India. It's called the 3rd June Partition Plan 1947. In March 1947, Lord Mountbatten was appointed as the last viceroy of the subcontinent. He was convinced that it was not possible to keep India united. For the solution of the political problems, he worked out a partition plan. After the approval of the British government, he announced the partition plan on June 3rd, 1947. तो ये आप एक तारीखी पिक्चर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है इसमें साउथ एशिया की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। सेंटर में लॉर्ड माउंटबेटन तशरीफ फरमा है, 3rd June प्लान अनाउंस कर रहे हैं, और राइट साइड पे कैदर मोहम्मद अली जिन्ना हैं, खासाद खान, लियाकत अली खान है, सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये मुस्लिम लीग की तरफ से हैं। दूसरी तरफ आप देख रही हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं, और इसके साथ वल्लभ भाई पटेल है, और साथ मास्टर तारा सिंह हैं। तो इस तरीके से जो है ये 3rd June प्लान, ये साउथ एशिया की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। नंबर वन, पावर्स फॉर टू बी ट्रांसफर्ड बाई द ब्रिटिश टू वन और टू सक्सेसर स्टेट्स विद डोमिनियन स्टेटस। तो उन्होंने कहा कि शुरू में आपको मुकम्मल आज़ादी नहीं दी जाएगी, आप डोमिनियन स्टेटस के तहत आपको आज़ादी दी जाएगी, इसके तहत आप भी जो है वो कुछ अरसे के लिए ताज बरतानिया के मातहत ही रहेंगे, और लेकिन इंटरनली आप इंडिपेंडेंट होंगे, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे फिर आप मुकम्मल आज़ाद समझे जाएंगे। तो जो गवर्नर जनरल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड का, इसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। इस ये स्टेट की एग्जांपल कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो इंग्लैंड से नॉमिनेट होकर आते हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर और असेंबली, उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंटरनल होती है। यूनिट शैल बी फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी जो भी दो आज़ाद मुल्क होंगे तो वो भी अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, जो ब्रिटिश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो उसी तरीके से इन्फोर्स रहेगा, और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो डोमिनियन स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और उन्हें मुकम्मल इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द प्रोविंशियल असेंबली शैल बी डिसाइड टू ज्वाइन विच ऑफ द टू स्टेट, पाकिस्तान और भारत। तो प्रोविंशियल असेंबलीज को कहा गया कि आप पाकिस्तान या भारत किसी एक में शामिल हो जाएं।
लेकिन यहाँ पर जो हिंदू सूबे थे उनके लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन मुस्लिम सूबे में जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कि पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी, केपीके के अंदर मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी, बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं कराए गए थे। तो ये ऐसे इश्यूज थे जो जिसको लिए फार्मूला फिर डिफरेंट करना पड़ा। आसाम का इशू था, वहाँ पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। द प्रिंसली स्टेट शैल बी डिसाइड इधर टू ज्वाइन एनी ऑफ द टू स्टेट और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब रह गया प्रिंसली स्टेट्स का, इनकी तादाद 580 थी, इनके साथ क्या सलूक किया जाए। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई या तो आप अगर आप खुद आज़ाद रह सकती हैं तो ठीक है, आज़ादी का ऐलान कर दें, और अगर नहीं रह सकते, ये समझते हैं कि पाकिस्तान या भारत किसी एक में शामिल होना बेहतर है, तो वो ऐलान कर दें। तो चूंकि स्टेट बहुत ज़्यादा थी, 580 तो बहुत ज़्यादा बनती हैं, और इससे ज़्यादा थी। तो अब ये इशू था, एक इम्पॉर्टेंट इशू था। और बहरहाल मोस्टली प्रिंसली स्टेट ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान या भारत के साथ शामिल हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्टेट्स जो है वो उन्होंने लेट फैसला किया और वो फिर प्रॉब्लम का बाइस बनी। द प्रिंसली स्टेट शैल बी डिसाइडेड इधर टू ज्वाइन एनी ऑफ द टू स्टेट्स और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। द प्लान स्टिपुलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज फॉर द मुस्लिम प्रोविंसेस ऑफ सिंध, पंजाब, बंगाल एंड WFP, बलूचिस्तान एंड आसाम। तो ये जो सिक्स मुस्लिम प्रोविंसेस थे, मेजॉरिटी प्रोविंसेस, तो इनमें डिफरेंट फार्मूला दिया गया, क्योंकि जहर है हर एक की सिचुएशन डिफरेंट थी। KPK और आसाम के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पंजाब के अंदर जो है वो भी यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन वो रिज़ाइन कर चुकी थी, तो पंजाब उस वक्त गवर्नर के मातहत था। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो है वो बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं कराए गए थे, तो वहाँ क्या किस तरीके से वो पाकिस्तान में शामिल होगा। तो इसलिए अलग अलग फार्मूला ब्रिटिशर्स ने डिवाइस किया। सिंध असेंबली शैल बी डिसाइड देयर फ्यूचर बाई मेजॉरिटी वोट। तो यहाँ पर जो हिंदू सूबों के राइट्स थे वो सिंध असेंबली को दिए गए, क्योंकि सिंध असेंबली में मुस्लिम लीग की अपनी गवर्नमेंट थी और अक्सरियत भी थी, तो यहाँ इशू नहीं था। रेफरेंडम शैल बी हेल्ड इन NWFP। तो यहाँ NWFP में कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, तो कहा गया रेफरेंडम बराह रास्त कराया जाएगा ताकि आवाम की राय ली जा सके। आगे पंजाब और बंगाल में, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज विल सेपरेटली डिसाइड वेदर द प्रोविंस शुड बी डिवाइडेड और नॉट। तो उन्होंने कहा जी नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो ना वो कहेंगे कि अगर कहते हैं कि पूरा का पूरा सूबा अगर शामिल कर दिया जाए पाकिस्तान में तो ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं डिवाइड कर दिया जाए और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो भारत में शामिल कर दिए जाए तो वही किया जाएगा। क्वेटा म्यूनसिपल कमेटी एंड शाही जिरगा विल बी डिसाइड द फ्यूचर ऑफ बलोचिस्तान। क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं कराए गए थे, तो लिहाजा कहा गया कि बल्दियाती सतह पे जो लोकल गवर्नमेंट मौजूद है क्वेटा की, और इसके साथ साथ जो बलोचिस्तान के ट्राइब्स हैं उनके एल्डर्स का शाही जिरगा होगा, वो कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान में शामिल होना, ये भारत में फैसला करें। रेफरेंडम शेल बी हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट इन आसाम प्रोविंस। तो मुकम्मल आसाम पाकिस्तान के हवाले करने के बजाय आसाम का जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सिलेट था वो रेफरेंडम के जरिए आसाम से काट के पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। तो ये प्लान था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट और दरमियान में सेंट्रल प्रोविंसेस थे। डिसीजन सिंध असेंबली डिसाइड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। क्वेटा म्यूनसिपल कमेटी एंड बलोचिस्तान शाही जिरगा डिसाइड टू ऑप्ट फॉर पाकिस्तान। इन NWFP, KPK
रेफरेंडम मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह सिंध, बलूचिस्तान और NWFP में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और ये सीधा के सीधा पाकिस्तान में शामिल हो गए। इसी तरह रेफरेंडम इन डिस्ट्रिक्ट सिलेट इन आसाम प्रोवेंस, मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स वर वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो आसाम के रेफरेंडम में भी पाकिस्तान को ही वोट मिले, तो सिलेट जो है वो आसाम से काट के पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया आसाम की जगह। तो यहाँ देख सकते हैं KPK के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 64% के करीब वोट जो है वो पाकिस्तान के हक़ में आए थे, और इसी तरीके से आसाम के अंदर तकरीबन 99% वोट पाकिस्तान के हक़ में आए थे। तो ये इनके रेफरेंडम रिजल्ट रहा। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो पंजाब और बंगाल है। दीनान मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल असेंबली वर डिमांडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस। तो ये एक इशू बना कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने कहा जी कि नहीं, पंजाब और बंगाल के जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्स हैं या तहसील है या उससे यूनियन काउंसिल लेवल पर, तो उसको जो है वो सेपरेट कर लिया जाए और दो हिस्सों में तकसीम कर दी जाए, ईस्ट एंड वेस्ट, और जो है उसी हिसाब से पाकिस्तान में या भारत में शामिल कर दिया जाए। लिहाजा नॉन मुस्लिम मेंबर्स डिमांडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंस, तो पार्टीशन हो गई। यहाँ फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि जो बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी काट के भारत को दे दिए गए, तो नाइंसाफ़ी जो है वो पार्टीशन में की गई प्रोविंसेस के, क्योंकि अब ये अंग्रेज़ों के और हाथ आ गए और अंग्रेज़ जो है वो हिंदुओं की हिमायत में थे। मेंबर्स ऑफ वेस्ट पंजाब असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड सिमिलर एज द मेंबर ऑफ ईस्ट पंजाब असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ भारत। मेंबर्स ऑफ ईस्ट बंगाल असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड सिमिलर मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ भारत। सिमिलर एज जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वो भारत में शामिल हो गए। अब कहा गया था कि अगर प्रोविंसेस डिवीजन का फैसला करेंगे तो बाउंड्री कमीशन सेट किया जाएगा और फिर वो डीमार्क करेगा बाउंड्री ऑफ बंगाल और पंजाब में। तो ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब के दरमियान बाउंड्री खींचना, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के दरमियान बाउंड्री खींचना जो है ये बाउंड्री कमीशन के ज़िम्मे था, और एक ब्रिटिश जो है रेडक्लिफ को इसका इंचार्ज बनाया गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन भी इसमें इंटरफेयर कर रहा था। तो इस तरीके से जो है ये पार्टीशन हुई पंजाब और बंगाल की, और इसकी नाइंसाफ़ी की वजह से दोनों मुल्क आज तक भुगत रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जंग के दर पे रहते हैं। जो 3 जून प्लान था ये तो एक मंसूबा था, अब इसको कानूनी शक्ल देने के लिए ज़रूरत इस बात की थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंस एक्ट पास करे, और जो 3 जून पार्टीशन प्लान है और उसका जो डिसीजंस हैं उन सारों को उसके अंदर कानूनी कवर दे, लीगल कवर दे। तो इसके लिए जुलाई में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ, जिसके तहत साउथ एशिया को इंडिपेंडेंस देने का फ़ैसला किया गया, और इस तरह उनके इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है साउथ एशिया को आज़ादी मिली। तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की शक्ल में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट्स टू द प्लान ऑफ June 3rd, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट ऑन July 18, 1947। द मेन पॉइंट्स फॉर ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया विल बी एंडेड ऑन August 15, 1947 and subcontinent would be divided into 2 independent states, Pakistan or Bharat।
Emperor of India will be no more part of the title of the British crown. के जो ब्रिटिश क्राउन है वो अपने टाइटल के साथ खिताब इस्तेमाल करता था शहनशाह हिंद का, तो वो जो टाइटल है वो अब इस्तेमाल नहीं होगा. द स्टेट विल बी रन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ मॉडिफिकेशन एज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट शैल बी फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब तक स्टेट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद नहीं बना लेते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ उसे अपना इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर चलाएंगे, अबूरी आइन के तौर पर काम करेगा. द प्रिंसली स्टेट शैल बी डिसाइडेड ईदर टू ज्वाइन एनी ऑफ द टू स्टेट और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. तो ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने तो इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले पहले डिसाइड कर लिया था कि हमने किस में शामिल होना है, तो उन्हें इंडिपेंडेंस एक्ट में कवर दे दिया गया. लेकिन कुछ स्टेट्स रह गई थी जो वक्त पे फैसला नहीं कर सकीं और बाद में फिर वो प्रॉब्लम का शिकार हो गई. द प्रिंसली स्टेट शैल बी जो है वो पाकिस्तान या भारत किसी एक में शामिल हो जाए, तो ये उन्होंने खुद फैसला करना था और उनको एक आज़ाद रहने की भी शर्त दी गई थी. अ बाउंड्री कमीशन शैल बी सेटअप टू मार्केट द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल. चूँकि पंजाब और बंगाल के नान मुस्लिम मेंबर्स प्रोविंस की डिवीजन का फैसला दे चुके थे, इसलिए अब इन प्रोविंस को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया जाना था, मुस्लिम एंड नान मुस्लिम की बुनियाद पर. ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नर जनरल. तो इसमें कायद आजम जो है उनको पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किया और क्वीन ने फिर उसकी मंजूरी दे दी. और इसी तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन, उसने भारत का पहला गवर्नर जनरल बनना पसंद किया और उसकी मंजूरी जो है फिर क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने दे दी. तो अब याद रखें कि जो हिंदू थे वो उनको ज़्यादा आज़ादी से दिलचस्पी नहीं थी और अंग्रेज़ की ग़ुलामी की लानत वो अभी भी अपने गले में लटकाना चाहते थे. तो बजाय इसके कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से किसी लीडर को गवर्नर जनरल के तौर पे नॉमिनेट करते, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश था उसको ही नॉमिनेट किया. तो ये हम देख सकते हैं कि वो जो अंग्रेज़ों के चापलूस जमात थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बुनियाद भी रखी है अंग्रेज़ों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की. और जो कांग्रेस की पूरी सियासत है वो प्रो ब्रिटिश रही है, हमेशा जो है वो अंग्रेज़ों के लिए काम करते रहे हैं. बज़ाहिर वो अपने आप को बड़ा शो करते थे हम आज़ादी के लीडर हैं, तो हम देख सकते हैं आज़ादी के कैसे लीडर थे. कि मुस्लिम लीग ने तो सही फैसला किया था कि आज़ादी तो सही मानों में आज़ादी है, तो उन्होंने कायद आज़म को अपना जो है वो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करवाया. जबकि हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो ग़ुलामी की जो लानत है तौक है उसको गले में आखिर वक्त भी लटका के रखा. और अगर कहीं इंडिपेंडेंस एक्ट या जो है वो 3 जून प्लान में अगर इस लानत को ताक़यामत जो है अपने गले में लटकाने का कोई प्रोविज़न मौजूद होता तो वो ये भी कर गुज़रते, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कोई ऐसा प्रोविज़न रखा नहीं था, तो इसलिए जो है उन्होंने अपने गले में ये लानत लटकाई रखी. दूसरा, ब्रिटिश से वो फ़ायदा भी लेना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन अगर उनका जो है वो गवर्नर जनरल बनता है तो वो किसी तरीके से साजिश करके जो पार्टीशन है पंजाब और बंगाल के प्रोविंसेस की, तो उसमें अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम इलाके हथिया सकेंगे और ये उनकी साजिश का हिस्सा थी. तो इसलिए कांग्रेस जो है लॉर्ड माउंटबेटन के चापलूसी कर रही थी और उसके जो है वो नखरे उठा रही थी. तो हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आखिरकार जो है वो पार्टीशन के अंदर जो है वो काफ़ी गड़बड़ की है और जो ख़ास तौर पे गुरदासपुर का मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और इसी तरीके से ज़ीरा और जो है ना फासिलका वगैरह की तहसीलें हैं और अमृतसर की तहसील है, इस तरह बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं,
तो वो काट के जो है वो भारत को दे दिए गए। और उससे फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ बाद में पार्टीशन के बाद, जिसमें कश्मीर का इशू भी आ गया और जो रिवर हेड वर्क्स हैं उनका कंट्रोल भी भारत को चला गया। इसी तरह बंगाल के अंदर भी कोशिश की गई कि कलकत्ता जैसी अहम बंदरगाह और जहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग जीतती आई थी, उसको काट के भारत के हवाले कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो अहम मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे तो वो भी काट के जो है वो भारत के हवाले कर दिए गए। जो इसमें जितनी नाइंसाफ़ी कर सकते थे वो उन्होंने अपने तौर पे की, और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन का ख़ास तौर पे हाथ है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ चल रहा और हर बेमानी में उनके साथ था। तो डियर स्टूडेंट, ये आज के लेक्चर में हमने 3 जून पार्टीशन प्लान पढ़ा, और इस पार्टीशन प्लान के तहत ही हमें आज़ादी मिली क्योंकि कैबिनेट मिशन नाकाम हो गया था। और इंटरिम गवर्नमेंट में ये देख लिया गया था कि अब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनकी लीडरशिप इकट्ठी नहीं चल सकती। तो ये उनके लिए भी सबक था और अंग्रेज़ों के लिए भी सबक था। और वल्लभ भाई पटेल जो कहता था कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, तो जब लियाकत अली खान ने बजट पेश किया जिसे गरीब आदमी का बजट कहा जाता है, तो तमाम जो वेल्थी क्लास थी, अमीर क्लास थी, वो बिलबिला उठी, जो कांग्रेस को भारी चंदे देती थी उनके गले पड़ गई कि तुम ऐसी आज़ादी क्यों मांगते हो जिसमें हमें नुकसान हो, हम इसके लिए तुम्हें भारी चंदे देते हैं। तो फिर ये तय पा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर कि अब मुस्लिम लीग का मुतालबा जो डिवीज़न का वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। और फिर वल्लभ भाई पटेल ने अपने अल्फाज वापस लिए और कहने लगे कि पाकिस्तान ने अगर कल बनना था तो आज ही बना दो। तो इसी तरीके से जो है वो ये पाकिस्तान जो है उसकी मुखालफत की जो ये चट्टाने थी ये खुद ब खुद रिमूव हो गई और पाकिस्तान बनने का फैसला हो गया। और इसको फिर ब्रिटिशर्स ने बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी और अपनी पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास करवाया। और उस एक्ट के तहत 14-15 अगस्त को जो पावर है वो पाकिस्तान और भारत को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस तरीके से दो आज़ाद ममलिकतें कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से वजूद में आ गईं और ब्रिटिशर्स जो है वो साउथ एशिया से दफ़ा हो गए। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।